Hello students, I am Mukti sir from Azure Learning Center. Today we are going to start a new chapter from science. Yes, your guess is right. From today we are starting chapter 8, motion, physics. Very easy chapter, very interesting. In everyday life, we observe several types of motions like vehicle moving on a road, flying birds, movement of needles of a watch, movement of blades of a fan, circulation of blood through veins and arteries. Oh, आपको लगेगा कि ये हमने कब देखा? अरे भाई देखा नहीं, फील तो किया होगा ना. Atoms, molecules, planets, stars and galaxies are all in motion. ये सब motion में है. तो ये सुन के फर्स्ट पैराग्राफ से आपको क्या लगा, क्या है ये मोशन? इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, मोशन मीन्स मूवमेंट. सी, इफ अ बॉडी चेंज इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स सराउंडिंग्स, इट इज सेड टू बी इन मोशन. अगर कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टाइम टू टाइम अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग वो पोजीशन चेंज कर रहा है, तो वो मोशन में है, ऐसा हम बोल सकते हैं. ठीक है, मोशन एंड रेस्ट आर ऑलवेज रिलेटिव बट नेवर एब्सोल्यूट. दे आर रिलेटेड है लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है. ओके, नाउ वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू मोशन. इन दिस चैप्टर वी आर स्टडिंग द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मोशन, नॉट द एक्चुअल फिजिक्स रिलेटेड टू दिस, ओनली द बेसिक पार्ट ऑफ मोशन. ओके, सो बी रिलैक्स, दिस चैप्टर इज ओनली एबीसीडी ऑफ द फिजिक्स डिपार्टमेंट ऑफ मोशन. ओके, ये सिर्फ एबीसीडी है और वो तो आपके लिए हाथों का खेल है. तो बहुत ही इजी चैप्टर है, इसमें बहुत सारी टर्म्स हैं, वो टर्म्स की डेफिनेशंस हैं और एब्सोल्युटली राइट, उसके रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं, उसके यूनिट है. तो ये चैप्टर जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, मैथ्स जैसा है, तो मजा आएगा आप लोगों को. देखते हैं पहले इसके रिलेटेड कुछ टर्म्स है जो हमें समझ लेना चाहिए इन द रिस्पेक्ट ऑफ फिजिक्स. ओके, पोजिशन, द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट is known as the position of the object. Position of the object हम किसे कहेंगे? तो किसी भी object का किसी particular point के according उसका जो location होगा उसको हम बोलेंगे उसकी position. The particular point about which the position of the object is defined is called reference point or origin. मतलब किसी रेफरेंस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, किसी ओरिजिन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम अगर किसी ऑब्जेक्ट का लोकेशन इंडिकेट करते हैं तो वो लोकेशन उस ऑब्जेक्ट का क्या कहलाएगा? पोजीशन, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि अगर मुझे किसी को एड्रेस देना है इजी लर्निंग सेंटर का, तो इजी लर्निंग सेंटर का एड्रेस देने के लिए, उसका लोकेशन दिखाने के लिए, उसका जो प्लेस है वो बताने के लिए मुझे क्या बताना पड़ेगा? उसके सराउंडिंग में कोई लोकल फेमस या नोन प्लेस है तो वो रहेगा मेरा रेफरेंस पॉइंट, वो ओरिजिन रहेगा. जैसे कि रामबाग गेट है, वो बहुत ही फेमस है, वहाँ पे पास में हनुमान टेम्पल है, वो भी बहुत फेमस है, IQ हॉस्पिटल है, वो भी सबके नजर में है अभी. तो ये सारे हैं रेफरेंस पॉइंट. तो मैं जिस भी किसी के साथ ये बात कर रही हूँ इसके बारे में, वो मैं जान लूंगी कि वो लोकल बारडोली का है. अगर वो बारडोली में लोकल है तो उसको रामबाग गेट पहले से ही पता होगा. अगर वो बारडोली का लोकल नहीं है, सराउंडिंग के विलेज के है, तो सराउंडिंग के विलेज वाले भी ये रेलवे ट्रैक के पास वाले हनुमान टेम्पल से नोन है, फेमस है ये टेम्पल, तो मैं उसको उसके अकॉर्डिंग बताऊंगी. अगर मेरे सराउंडिंग की सोसाइटी वाले ही है, मतलब इजी लर्निंग सेंटर के सराउंडिंग की सोसाइटी वाले है, तो मैं उसको IQ हॉस्पिटल बता सकती हूँ क्योंकि वो उनको नोन है कि कहाँ पे है. ठीक है, तो ये हो गए मेरे रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन. और वो रेफरेंस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैं आसानी से बता पाऊंगी कि इजी लर्निंग सेंटर कहाँ पे है. ओके, जैसे कि अपोजिट टू रामबाग गेट, तो रामबाग का जो गेट है उसके एग्जैक्टली अपोजिट में है. तो अभी क्या करना पड़ेगा? जो ढूंढने वाला है, जो आने वाला है, वो जाके रामबाग गेट के पास खड़ा रह जाएगा. वहां खड़ा रह के सामने देखेगा तो सीधे ही हमें इजी लर्निंग सेंटर का बोर्ड दिखाई देगा.
तो ये हो गया पोजीशन ऑफ द इजी लर्निंग सेंटर। वैसे ही अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन दिखानी है, तो जैसे मैंने रामबाग गेट यूज किया, वैसे आपको कोई रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन डिसाइड करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आप उसका लोकेशन इंडिकेट कर पाओगे। ठीक है, नाउ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज? ये तो आपको पता ही है, स्टैंडर्ड 8 में आ चुका है, फिर भी रिकॉल कर देते हैं, रिवाइज हो जाएगा। देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज विथ विच वी कैन एसोसिएट ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब कि ओनली न्यूमेरिकल डेटा होगा, ओनली मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल डेटा ओनली, मीन्स नंबर्स आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। जो स्केल से मेजर हो सकता है ना, वैसे याद रख सकते हैं आप कि स्केल से क्या मेजर होगा, ओनली नंबर। तो जो न्यूमेरिकल डेटा है वो जिसमें रिक्वायर्ड है, ओनली दैट मच रिक्वायर्ड, देन इट इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, ये सब है ना, इसमें हमें अगर न्यूमेरिकल डेटा मिल गया तो बात खत्म, मिल गया सब कुछ। जैसे कि आपको कोई टाइम पूछेगा तो आप अभी बताओगे अभी इतने बजे है, अभी 7 बजे, आप ऐसा बोलोगे तो 7 बजे है, उसके साथ आपको क्या डिरेक्शन बतानी पड़ेगी कि अभी नॉर्थ डिरेक्शन में 7 बजे है, अभी ईस्ट में 7 बजे है, या फिर अभी वेस्ट साउथ में 7 बजे है, ऐसा कभी आपने सुना है? एब्सोल्युटली नो। तो ये जो क्वांटिटीज है, मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, जिसमें आपको डिरेक्शंस रिक्वायर्ड नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड, नंबर्स रिक्वायर्ड ओनली, दीज क्वांटिटीज आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज। नाउ तो वेक्टर किसे कहेंगे? वेक्टर ऑपोजिट टू स्केलर? No, not opposite, but something detailed. Physical quantities with which we can associate magnitude as well as directions, means number के साथ जिसमें direction भी required है, उसको हम बोलेंगे vector quantities, just like weight, gravitational के according होगा. Displacement, किस direction में displacement हुआ है, necessary है जानना. Velocity, किस डिरेक्शन में है, ये भी जानना जरूरी है ताकि पता चले कि बढ़ रही है या घट रही है. ठीक है, तो ये सारी क्वांटिटी ऐसी है कि जिसमें नंबर के साथ साथ डिरेक्शन नेसेसरी है, उसको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज. ओके, नाउ द इजीएस्ट टॉपिक, डिस्टेंस. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय इट. देखिए, इसमें ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय इट. जो एक्चुअल पाथ उसने कवर किया है उसको बोलेंगे डिस्टेंस. ओके, इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच द बॉडी ट्रैवल, इसमें डायरेक्शन को, डायरेक्शन की किसी भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. ओके, उसमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट हुई हो लेकिन वो ओरिजिन से स्टार्ट होके कहाँ कहाँ गया है, वो फाइनल प्लेस तक उसकी जो पाथ की लेंथ है उसने कवर की हुई, वो सारी काउंट होगी. ओके, एंड इस ऐसा यूनिट इज मीटर, उसका ऐसा यूनिट होगा मीटर में. नाउ देखते हैं कैसे, एक एग्जांपल से समझते हैं. तो देखिए, कंसीडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ. द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम ओ, ओ मीन्स ओरिजिन, जीरो इसको हम कंसिडर करेंगे, ओरिजिन जो भी हम लेंगे उसको हम 0 मीटर कंसिडर करेंगे, और उससे काउंटिंग शुरू होता है. Which is treated as the reference point, क्योंकि वो reference point है, तो उससे zero measure होगा, zero यहाँ से starting होगा, origin है. Let A, B and C represent the position of the object at different instant, different different time पे उसकी जो position है, इसको ये time दिया हुआ है, labeling किया हुआ है. जैसे कि at first the object moves through C to B and finally reaches A. मतलब पहले origin से शुरू करके वो C पे पहुँचा, फिर वहाँ से B पे गया, और B पे से वो कहाँ गया? Then it moves back along the same path and reaches C through B. अभी वो same path पे return होगा, A से जाएगा कहाँ पे? C पे जा रहा है. B से होके वो कहाँ पे जा रहा है? C पे. मतलब कि उसने कैसे traveling किया, मैं आपको हिंदी में समझाती हूँ. O से शुरू किया, पहुंचा A पे, और A से वापस return हुआ C पे. Directly बताऊँ तो O से गया C पे, C से B से A पे, फिर A से वापस आया B पे, और B से आया C पे. तो ये हो गया उसका ओरिजिन प्लेस, ओरिजिन उसने O से किया, और एंड कहाँ पे किया उसकी ट्रैवलिंग? C
सी पे. तो ये हो गया आपका इनिशियल पॉइंट और ये हो गया फाइनल पॉइंट. ओके, अभी देखते हैं उसने ट्रैवलिंग कितना किया, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट कितना हुआ. तो देखिए, पहले वो ओ से ए गया, इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर दिया, और फिर कहाँ गया, ए टू सी. सो ए टू सी उसने वापस कवर किया, तो ये सब काउंटिंग में आएगा. तो देखिए, ओ ए कैसे यहाँ पे कंसिडर करोगे, ओ से ए तक का कितना हुआ, 60 किलोमीटर. तो ओ ए इज इक्वल टू 60 किलोमीटर लिख दो. फिर ए टू सी, तो ए टू सी बिटवीन में कितने किलोमीटर उसने ट्रैवल किए, कैसे काउंट करोगे आप, सोचिए सोचिए, ए टू सी कितने ट्रैवल किए, काउंटिंग करोगे, कैसे करोगे, 60 माइनस 25. एब्सोल्युटली राइट, 60 माइनस 25 करोगे तो एग्जैक्ट इस बिटवीन का डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा. या फिर देखिए, 5-5 की गैप है सबके अंदर, तो ऐसे भी काउंट कर सकते हो, 5 + 5 = 10 + 5 = 15 + 5 = 20 + 5 = 25 + 5 = 30 + 5 = 35. तो भी 35 ही होगा, ठीक है. तो ए टू सी के बीच में डिस्टेंस कितना है, 35 किलोमीटर. तो 60 + 35 कितना ट्रेवल किया उसने, 95 किलोमीटर. ओके, 95 किलोमीटर जितना उसने ट्रेवल किया है. सो द एक्चुअल पाथ लेंथ और द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज 95 किलोमीटर. तो फिर डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, ये तो हो गया डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, क्या ये दोनों सेम है या डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है. ओके, कुछ कुछ चीजें इसकी सेम है, जैसे कि यूनिट दोनों का मीटर है. ओके, लेकिन हम उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे. तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम अ गिवन पोजीशन टू अनदर पोजीशन. इट गिव्स द शॉर्टेस्ट पाथ मेजर्ड इन द डायरेक्शन फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. देखिए, आपको याद रखने के लिए डिस्प्लेसमेंट की ये डेफिनेशन ज्यादा काम लगेगी. द शॉर्टेस्ट पाथ मेजर्ड इन द डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. ओके, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर है इसका मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड है, इसका ऐसा यूनिट भी मीटर है. ओके, नाउ एक एग्जांपल से इसको भी समझते हैं, कैसे समझेंगे. देखिए, सपोज अ बस इज मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ एज शोन इन फिगर बिलो, लेट ओ बी द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द बस, ओ बी द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द बस एंड इट रीचेस पोजीशन ए, एक्स इज इक्वल टू 30 किलोमीटर, मतलब ओ से शुरू किया, ए तक पहुंची, 30 किलोमीटर ट्रेवल कर दिया. मूविंग फॉरवर्ड बस रीचेस द पोजीशन बी, फिर पहुंच गई बी पे, ट्रेवल्स 45 किलोमीटर ट्रेवल करके बी पे पहुंच गई. नाउ द बस रिटर्न्स टुवर्ड्स ए एंड रीचेस द पॉइंट सी, द डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन बी टू सी इज 20 किलोमीटर. फिर वो रिटर्न हो गई, बी से शुरू करके सी पे आ गई 20 किलोमीटर का ट्रेवल करके. ओके, तो आप कैलकुलेट करने लगे होंगे कि 30 + 45 + 20 तो कितना हो गया, कितना हो गया, 30 + 45 = 75 + 20 = 95, तो 95 किलोमीटर हो गया. अरे भाई, ये तो हमने क्या सीखा, डिस्टेंस. तो ये डिस्टेंस हुआ, टोटल पाथ कवर्ड बाय द बस दैट इज 95 किलोमीटर. ओके, तो यहाँ पे तो हम क्या सीख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट. तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस. तो फिर डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए डेफिनेशन में क्या समझाया, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. तो इनिशियल पोजीशन है ओ, और फाइनली वो कहाँ पे अटकी, सी पे. तो ओ टू सी वो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ, तो हमें बस उतना ही काउंट करना है, क्या OC काउंट करना है. लेकिन आप OC काउंट कैसे करोगे, OA तो है आपके पास, लेकिन AC कहाँ पे है. अभी आप रूम में अपने सिर पे मत देखिए, वो रूम में जो AC लटकी है उसकी बात नहीं चल रही है यहाँ पे. ये डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट C, ये कैसे फाइंड करोगे, तो मैथ्स याद कीजिए. देखिए, ये पूरी लाइन सेगमेंट है AB, और आपके पास BC का डिस्टेंस ऑलरेडी है,
तो एबी में से बीसी माइनस करोगे तो आपको ए सी मिल ही जाएगा बहुत आसानी से। कैसे मिलेगा? 45 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 45 माइनस 20 कितना होता है? देखिए मैं ही आपको मैथ्स की टीचर हूँ, गलत आंसर दिया तो डांट पड़ेगी। कितना होता है 45 माइनस 20? क्या मैम कैसे क्वेश्चन पूछते हो, ये तो छोटे बच्चों वाला है, मेरा छोटा भाई बहन भी आंसर दे देगा। 25 होता है। एब्सोल्युटली राइट, 25। ओके तो फिर ये मिला हमें एसी 25, तो ओए प्लस एसी करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 प्लस 25 डेट इज 55। तो आ गया 55 किलोमीटर, डेट इज अवर डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे दूसरी टेक्निक भी दी हुई है ये कैलकुलेट करने के लिए। कैसे? देखिए ओए 30 किलोमीटर है, ओबी ओबी कितना है, टोटल ओबी 30 प्लस 45 डेट इज 75 किलोमीटर, एंड बीसी कितना है रिटर्न का 20। तो आप 75 में से 20 माइनस करोगे तो भी 55 आपको मिल जाएगा। मतलब ये टोटल लेंथ में से ये लेंथ माइनस कर दोगे तो भी डायरेक्टली आपको 55 मिल जाएगा, विच इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड सी। ओ इज द ओरिजिन, सी इज द फाइनल डेस्टिनेशन। ओके तो फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट, उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डायरेक्टली इतना ही मेजर करना है, वो हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। ओके नाउ हियर आर सम पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। देखिए जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना वो ऑलवेज ज्यादा ही रहेगा, वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन द डिस्टेंस, और इक्वल भी हो सकता है। जैसे कि ये आप याद रखिए, डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जितना भी हो सकता है और उससे कम हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता। दूसरी मैनर में आप याद रख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का फ्रैक्शन ऑलवेज वन से वन जितना होगा या फिर वन से कम होगा। ओके रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू वन। सेकेंड, इफ अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल। अगर वो स्ट्रेट पाथ पे मूव होती ही जा रही है तो उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम ही होगा। जैसे कि ऐसा मानोगे ये बस यहाँ पे बी पॉइंट पे ही जाने वाली थी, सी पॉइंट है ही नहीं, तो ओ बी ही होगा। तो भी उसका ट्रैवलिंग डिस्टेंस हो गया 75 किलोमीटर, एंड इनिशियल पोजीशन ओ फाइनल पोजीशन बी, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी हो गया 75 किलोमीटर। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम हो गया। थर्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फॉर अ कोर्स ऑफ मोशन मे बी जीरो बट द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल विल नेवर बी जीरो, वो कभी भी जीरो नहीं होगा। क्योंकि अगर डिस्टेंस ट्रेवल जीरो होगा तो वो तो मूव ही नहीं हुआ ना, वो तो मूविंग बॉडी कहलाएगा ही नहीं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसे जीरो होता है? देखिए अगर ये बस सी से वापस ओ पे आ गई, तो ओ पे से शुरू हुई और ओ पे ही आके खत्म हुई, तो उसका ओरिजिन पॉइंट एंड फाइनल पोजिशन दोनों सेम हो गया। दोनों सेम हो गए तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज जीरो। ओके तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। फोर्थ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एंड जीरो भी हो सकता है। अभी आपको पता चल गया कि ये तो पॉजिटिव हमें मिल गया, ठीक है, जीरो भी पता चल गया, ओ से शुरू किया ओ पे खत्म हुआ, लेकिन नेगेटिव कैसे हो सकता है? देखिए नेगेटिव हो सकता है जैसे कि ये वो हमारा इनिशियल पोजिशन है जिसको हमने जीरो कंसिडर किया, यहाँ पे सारे पॉजिटिव डायमेंशन आएंगे तो उसके राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा, नेगेटिव डायमेंशंस। अगर ये बस ट्रैवल करके बी से होके ए पर, ए से ओ पर और ओ से पीछे गई और पीछे, यहाँ पे उसका बस का सर्विस स्टेशन है ऐसा मान लो, तो सर्विस स्टेशन पे और यहाँ पे पीछे गई और कोई डी पॉइंट पे पहुंची, तो वो डिस्टेंस उसका जो डिस्टेंस है वो तो ट्रैवलिंग इसमें बढ़ जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये ओरिजिनल पोजिशन और ये फाइनल डी, तो ये माइनस में चला जाएगा, ठीक है। तो माइनस भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव एज वेल एज जीरो, तीनों में से कोई भी हो सकता है। अभी आपको लगेगा कि इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, भाई क्वेश्चन बहुत ही इजी वाले होते हैं, वो मैथमेटिकल ही होते हैं, बहुत ही आसानी से आप कैलकुलेट कर पाओ ऐसे ही होते हैं। ओके तो कैसे, तो देखिए इसमें डायग्राम दिया हुआ है, ऐसे डायग्राम अगर दिया होगा या फिर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा,
तो वो जो डायग्राम आप ड्रॉ करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा कि कैसे कैलकुलेट करना है. देखिए, अ जॉगर जॉक्स अलोंग वन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क. इफ द डायमेंशंस ऑफ द पार्क आर 150 बाय 120 देन फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द जॉगर. तो यहाँ पे जॉगर का आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों फाइंड करना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर पार्क है तो पार्क पहले ड्रॉ कर दो रेक्टेंगल मैनर में, ए बी सी डी उसको लेबल कर दो. अभी ए से बी उसकी लेंथ हो गई 150 मीटर, बी से सी ब्रेथ हो गई 120 मीटर. अभी वो जो जॉगर है वो मूव होता जाता है, कैसे ट्रैवल कर रहा है. जॉगर स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड आफ्टर कवरिंग वन ब्रेथ एंड वन लेंथ रीचेस टू पॉइंट सी. ओके, उन लोगों ने बोला है कि वन लेंथ एंड वन ब्रेथ वो ट्रैवल करता है, तो वन लेंथ हो गई ए टू बी एंड वन ब्रेथ हो गई बी टू सी, इतना ट्रैवल किया इसने. तो देख के ही आप में से बहुत सारे लोगों को पता चल चुका होगा कि डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा, 150 प्लस 120 मीटर. ओके, तो डिस्टेंस आपको इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, 150 प्लस 120 इज इक्वल टू 270 मीटर. एंड डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट देखिए, ये ओरिजिन है ओ और ये है फाइनल डेस्टिनेशन सी, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उन दोनों के बीच में क्या होगा, एब्सोल्युटली राइट, डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल. तो एसी कैसे फाइंड करेंगे, अब याद आया होगा आपको पाइथागोरस भाई. ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि रेक्टेंगल में ये बी एंगल 90 का होता है, एसी हमारी हाइपो हो जाएगी, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर. तो इसे आप एसी फाइंड कर पाएंगे, तो एसी इज इक्वल टू अंडर रूट एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर. एबी है हमारा 150, बीसी है 120, उन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करो और स्क्वायर रूट निकालो, तो मिलेगा आपको 30√41 मीटर. तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 30√41 मीटर. क्लियर? हाँ मैम, ये तो स्क्वायर और रेक्टेंगल हो तो हम कर लेंगे आसानी से, क्योंकि पाइथागोरस तो वैसे भी हमारा फेवरेट है, वो तो हम कैलकुलेट कर लेंगे. लेकिन अगर उसका पाथ सर्कुलर हुआ तो वो भी देख लेते हैं. अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर इफ इट कंप्लीट्स 2.5 रिवोल्यूशन अलोंग द सर्कुलर पाथ देन फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी. देखिए यहाँ पे आपको ये सर्कुलर पाथ दिया हुआ है, ऐसे चालू करता है, ऐसे रोटेट होके आता है, और ये जो रेडियस है 20 सेंटीमीटर सेंटर से बी का या सेंटर से ए पॉइंट का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर. ओके, अभी अगर आपको इसका जो सर्कुलर पाथ है उसका डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आपको याद ही है कि वो बोलते हैं हम उसको सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला है 2πr, लेकिन यहाँ पे उसने ट्रैवल कितना किया है, 2.5 रिवोल्यूशन. मतलब ए से शुरू किया वापस ए पे आया, एक सर्कल कंप्लीट, वापस ए से शुरू किया वापस ए पे आया, दो सर्कल कंप्लीट, फिर ए से शुरू करके बी तक पहुंचा हाफ, मतलब 2.5 सर्कल उसने ट्रैवल कर दिए. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे 2.5 को, तो 2 कंप्लीट राउंड के लिए 2 टाइम 2πr होगा, 2 टाइम सर्कमफेरेंस. ओके, और फिर हाफ उसमें ऐड करेंगे तो 2πr अपॉन 2. ओके, तो हो जाएगा पाई आर, हाफ होगा पाई आर, और टोटल होगा वो 2 × 2πr. तो 2 × 2πr, 2 कंप्लीट सर्कल, उसमें ऐड करेंगे हाफ वाला पाई आर, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इज 2 × 2πr प्लस पाई आर. तो हो जाएगा 2 × 4πr प्लस 1πr दैट इज 5πr. अभी यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या लेंगे, क्वेश्चन में देखो नहीं दी हुई है, यहाँ पे आप कोई भी ले सकते हो. 3.14 लोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 5 × 3.14 × 20. कैलकुलेट करोगे तो आंसर इजीली आ जाएगा 314 सेंटीमीटर. ओके, जनरली तो क्वेश्चन में दिया जाता है कि पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, तभी लेनी है. ओके, तो ये तो डिस्टेंस ट्रैवल हो गया इजीली, लेकिन मैम क्या अबाउट डिस्प्लेसमेंट, हाउ कैन वी कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट. तो देखिए उसने कितना ट्रैवल किया, ए से शुरू करके ए पे आया तो जीरो डिस्प्लेसमेंट, वापस ए से शुरू करके ए पे आया जीरो डिस्प्लेसमेंट, और लास्ट हाफ में ए से शुरू करके बी पे अटक गया, तो ये उसकी फाइनल पोजिशन बी, इनिशियल पोजिशन ए. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 2r, और r कितना है हमारा 20, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 20 × 2 = 40 सेंटीमीटर. वेरी इजी. ओके, नाउ यू हैव टू गो थ्रू दिस क्वेश्चंस, ये आप ट्राई करना ढूंढने की, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, डाउट सॉल्यूशन में हम मिलेंगे. ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय. है ना मस्त इजी वाला चैप्टर, स्टार्टिंग ही इतना इजी है तो आगे भी इजी ही रहेगा ना ये चैप्टर.
वेरी इजी, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, साथ में मेरे साथ चलते रहिएगा, रोज ये पढ़ते रहिएगा ताकि आपके दिमाग में प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए ये टॉपिक का, ठीक है?